गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक असमोली में स्थित देहरी जगू गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के प्रधान धर्मेंद्र सिंह हैं। ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह को ग्रामवासियों ने अपना प्रधान चुनकर उन्हें गाँव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। लगभग 5,000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 8 किलोमीटर ही है। लगभग 2450 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 524 राशन कार्ड धारक हैं। साथ ही गांव में 30 विधवा पेंशन, 20 वृद्धा पेंशन व 3 विकलांग पेंशन लाभार्थी मौजूद हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 320 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 45 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 15 और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 150 विद्युत पोल, 7 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 7 सीसीटाइज रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 आवास, स्कूल में शौचालय व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 45 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसीटाइज रोड, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, कब्रिस्तान की बाउंड्री, पानी निकासी के लिए नाला, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 250 शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 100 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान देहरी जगू से न्याय पंचायत हौसला और मैंने विकास के कार्य में जितनी धनराशि आई है सीसीटाइज करेंगे और आंगनवाड़ी केंद्र तो हमारे गांव विकास में है नहीं। इसमें अभी तक कोई भी एक भी पूरी ग्राम पंचायत में एक भी आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है। तो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मैं अपील करता हूं कि आंगनवाड़ी केंद्र बनवाने का कार्य कराएं और सौर ऊर्जा लाइटें भी लगवाई हैं और स्कूल में तीनों में टंकी फिटिंग मोटर वोटर और जो क्या कहते हैं शौचालय तीनों स्कूलों में प्राइमरी में जूनियर में तीनों स्कूलों में बनवाए, खरंजे भी कराए हैं और जो भी निधि में पैसा आया था वो विकास कार्य में मैंने सब लगा दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दें। उस इस बात की मैं अपील करता हूँ।